हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट स्टडी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा होगा कि कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा और सोच भी रहे होंगे कि हमें ये कोर्स करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कहाँ से कोर्स करना है और कैसे दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे थंबनेल में लिख रहा है कि फ्री, घर बैठे आप इसको कर सकते हैं, कोई फ़ीस नहीं है। क्या कोई फ़ीस नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में इसको कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको एक लिंक है वो दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर ओपन कर लीजिएगा। या दोस्तों, आप जा सकते हैं www.attainu.com पर, ठीक है। ये आपको वेबसाइट दे जा रही है, यहाँ से आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का, यहाँ पर देखिए इनका जो ईमेल आईडी है, यहाँ पर दोस्तों ईमेल आईडी लिख रही है इनकी, और इन पर यहाँ पर दोस्तों इनका जो मोबाइल नंबर है वो भी लिख रहा है। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए फॉर्म से रिलेटेड या आपको कोई क्वेरी करनी हो तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा। तो आपको देखिए अप्लाई नाउ पे ओपन करना है। यहाँ पर देखिए कर लीजिएगा अप्लाई नाउ। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स ओपन होने के लिए इसको। जैसे ही करेंगे आप दोस्तों, तो इस तरह का दोस्तों आपके सामने खुलकर आएगा। यानी कि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस फॉर्म के आपके पूरे तीन पार्ट हैं, है ना। तीनों पार्ट को आपको फिल करना है। यानी दोस्तों आपने पहला पार्ट फिल कर दिया, सोच रहे होंगे कि हमारा जो फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको पूरे तीन पार्ट इसके भर देने हैं, तीन स्टेप हैं इसके। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ पर जैसे कि स्टार लगा हुआ है ना, तो ये कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल एड्रेस अपना यहाँ पर मेंशन करना है। कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि अपना फ़ोन नंबर जो चालू हो वो आपको मेंशन करना है यहाँ पर। आगे चलेंगे, जो रेफरल कोड है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है ना रेफरल कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। और क्या आप दोस्तों इंडियन हैं या नहीं, तो वो भी डालना है, यस यस और नो, है ना। और आगे चलेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पर ऐड आ गया था, कोई नहीं है। तो विच सिटी डू यू करंटली लिव इन, मतलब कहाँ पर रह रहे हैं आप प्रेजेंट टाइम में, ये आपको मेंशन करना है। व्हाट आर यू डूइंग करंटली, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या आप जॉब सर्च कर रहे हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि कॉलेज में है क्या है वगैरह, कॉलेज में भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पेज ओपन होगा। और आप ये चाह रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर सारा मेंशन है फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव सेलेक्टेड इन कॉलेज इन द अबोव क्वेश्चन प्लीज, मतलब सारा कुछ यहाँ पर लिखना है। व्हाट डू प्लान्स प्रपोज, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, यहाँ पर अगर दोस्तों आप इस कोर्स को करते हैं तो टाइमिंग दोस्तों आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये जो कोर्स है कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं है, फुल टाइम कोर्स है आपका। और यहाँ पर कॉलेज के बारे में ये बताया गया था, 9 से 5 PM मंडे टू फ्राइडे इसको कमिटमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सारा कुछ आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल, मतलब जो आपका फेसबुक प्रोफाइल लिंक है वगैरह वगैरह, कुछ भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप जैसे ही इसको सारा कुछ करेंगे, देखिए इस तरह का पेज, मतलब सारा कुछ आपके सामने, सारे फंक्शन आएंगे। और जिस भी टॉपिक पर आपको कोई फंक्शन, जैसे कि जैसे ये आपका रह गया है व्हाट इज योर प्रोफेशनेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा ये, ठीक है। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, इनका यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखी हुई है, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। और दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, रेफरल कोड का भी जो, मतलब जो कोड है वो भी आपको मिल रहा है। बाकी दोस्तों
आपको पूरे 3 स्टेप चलना है, यानी कि फॉर्म के 3 स्टेप होंगे, तीनों स्टेप को भरना है तभी आपका फॉर्म फिल हो पाएगा। और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कोई फीस नहीं है। जैसे कि दोस्तों आपका प्लेसमेंट हो जाता है, मान लीजिएगा 5 लाख पर आपका प्लेसमेंट हो रहा है, तो बाद में दोस्तों ये अपनी फ़ीस लेंगे। और कितनी फ़ीस लेंगे आप इनकी वेबसाइट पर जाकर सारा कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कोर्स की कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी दोस्तों आप इसको फिल कर सकते हैं, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।